नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल योगाचार्य हनुमान में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे हाइट को कैसे इंक्रीज, हाइट को कैसे बढ़ाया जा सके। हाइट बढ़ाने के लिए आज हम बेस्ट एक्यूप्रेशर पॉइंट व मुद्रा के बारे में बात करेंगे। हाइट 12 साल से लेकर 35 साल तक बढ़ा सकते हैं, 12 ईयर से लेकर 35 ईयर तक बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हाइट ऐसा नहीं है कि आप 20 साल तक ही बढ़ा सकते हो, 20 ईयर के बाद में नहीं बढ़ती है। तो मैं आपको आज ऐसे पॉइंट्स के बारे में या मुद्राओं के बारे में बात करूंगा जो आप 35 ईयर तक हाइट को इंक्रीज कर सकते हैं। हाइट कम होती है तो क्या होता है कि हमें कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। जैसे हम आर्मी, एयरफोर्स या नेवी में सिलेक्शन नहीं होता तो अपन डिप्रेशन में आ जाते हैं कि मेरा तो हाइट की वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरी हाइट होती तो मैं भी आर्मी या नेवी में जाता। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं दोस्तों, आप मेरे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। इसमें आपको सबसे बेस्ट तरीका बताया जाएगा कि आपको हाइट कैसे इंक्रीज़ की जाती है। तो इसके लिए हम कई लोग ऐसे होते हैं जो सप्लीमेंट को यूज करते हैं, तो आपको सप्लीमेंट या मेडिसिंस यूज करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे शरीर में साइड इफ़ेक्ट करती है और ये साइड इफ़ेक्ट से हमें कई तरह की बीमारियां भी हो सकती है। तो मेरे वीडियो में आपको बिना साइड इफ़ेक्ट के हाइट बढ़ाने का तरीका बताया जाएगा। तो दोस्तों हम हाइट बढ़ाने के लिए इन तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले हमारा डाइजेशन अच्छा होना चाहिए, दूसरा हमारे शरीर में HGH हार्मोन का शरीर में सही मात्रा में बनना चाहिए, और तीसरा हमारी बोन्स का स्ट्रोंग होना चाहिए। ये तीनों चीज़ों हमारे शरीर में ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के प्रोडक्शन को स्ट्रोंग करेगी, क्योंकि ये तीनों चीज़ें जब अच्छे से वर्क करेगी तो हमारे शरीर में HGH हार्मोन को अच्छे से इम्प्रूव बढ़ाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन मुद्राओं के बारे में। तो मुद्राएं क्या होती है, तो मुद्राओं में एक अपने हाथों की अंगुलियों को मुद्रा की स्थिति में रखते हैं। तो सबसे पहली मुद्रा के बारे में बात करते हैं। पहली मुद्रा में अपने थम्स के साथ आपके इंडेक्स फिंगर की टिप्स को मिलाना है और बाकी तीनों फिंगर्स को स्ट्रेट रखना है, सीधी रखना है। इस तरीके से आपका डाइजेशन स्ट्रोंग होगा, आपका डाइजेशन स्ट्रोंग होगा तो हाइट भी बढ़ेगी। दूसरी मुद्रा हार्मोन की प्रोडक्शन को स्ट्रोंग करेगी। इसमें अपने थम्स के साथ मिडल फिंगर की टिप्स को मिलाना है, इसमें ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बढ़ेगा तो हाइट भी बढ़ेगी। तीसरी मुद्रा आपके बोन्स को स्ट्रोंग करेगी, इसमें अपने थम्स के साथ रिंग फिंगर की टिप से मिलाना है। इस तरीके से ये तीनों मुद्रा दिन में दो बार सुबह शाम को करनी है। ये मुद्रा 5 मिनट तक करनी है। ये मुद्रा किसी भी सुखपूर्वक स्थिति में बैठकर करनी है। इसमें आंखों को बंद रखना है, ध्यानपूर्वक स्थिति होनी चाहिए। इन मुद्राओं का रेगुलर अभ्यास करेंगे तो 3 महीनों में आपकी 10 सेंटीमीटर तक हाइट बढ़ सकती है। तो ये मुद्राएं आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। अब हम बात करेंगे एक्यूप्रेशर पॉइंट की। ये पॉइंट आपके बॉडी में कहाँ पर होता है और कैसे प्रेस करना होता है, तो सबसे पहले ये पॉइंट थम्स के फ्रंट साइड में, मिडल में, बीचों बीच में होता है। मैं आपको फ़ोटो में बता दूंगा कि ये आपका थम्स के बीचों बीच में किस तरह प्रेस करना है। हमारे शरीर में जो HGH हार्मोन होता है ये पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेंगे करता है, और HGH हार्मोन का प्रोडक्शन बढ़ने लगेगा तो इससे इसको स्टिमुलेट करने के लिए आपको थम के बीचों बीच में 1 से 2 मिनट तक रेगुलर दबाना है और प्रेस करना है। ये एक्यूप्रेशर पॉइंट है और दिन में 2 बार प्रेस कर सकते हो, और ये एक्यूप्रेशर पॉइंट आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट होने में ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा से ज़्यादा सिक्रेट करेगा। इससे आपके हाइट भी बढ़ेगी और आपकी पर्सनैलिटी भी अच्छी होगी। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में अपन हाइट बढ़ाने के लिए योगा के कुछ आसन व आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। आपको पसंद आए तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे दबाएं, जिससे अगला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और ये वीडियो आपके तक आप तक पहुँचेगा तो आप सबसे पहले मेरे वीडियो को देखेंगे और आपको उसमें आसन व औषधियों के बारे में बताया जाएगा। तो दोस्तों आपकी कुछ राय है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज डालें। अंत तक ये वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।